और एक और नई ट्रिप की शुरुआत हो गई है हमें, और मैं निकल चुका हूँ अभी, हम लाइक 4 बज रहे हैं, बट सुबह में मैं निकल गया हूँ 6 बजे, और अभी तक मैं स्टार्ट नहीं किया था वीडियोस बनाना, क्योंकि जो मेरा माइक था बैग में था, बहुत अंदर था, तो निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था, विदाउट माइक मैं कर नहीं सकता था। सो आज का ये जो ब्लॉग है स्टार्ट हो रहा है बॉम्बे टू यूपी, मैं यूपी जाने वाला हूँ, थोड़ा सस्पेंस रखूँगा कहाँ जाऊँगा, बट आप लोग तो थंबनेल देख के जान जाएंगे कहाँ जाने वाला हूँ, क्यों जाने वाला हूँ। सो बाकी सब बढ़िया। सो हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का ब्लॉग में। सो अभी मैं पहुँचा हूँ भुसावल, क्रॉस कर दिया हूँ, मैं यूपी जा रहा हूँ बेसिकली, आपको बता, तो भुसावल पहुँचा हूँ, ट्रेन में हूँ और मेरे साथ सब लोग हैं, खाने में बहुत लोग लगे हुए हैं मेरे बैकग्राउंड में। हाँ, भुसावल का केला भी यहाँ पे अभी हम लोग टेस्ट भी कर लिए, काफ़ी फेमस है यहाँ का, और बाकी सब बढ़िया है। कल हम लोग पहुँच जाएंगे लखनऊ, लखनऊ से हमको ट्रेन चेंज करना पड़ेगा हमारे डेस्टिनेशन के लिए, और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, और मैं बताना तो नहीं चाहता लेकिन फिर भी बता देता हूँ, मैं दोस्त के शादी में जा रहा हूँ, सस्पेंस क्या रखना इतना। और मेरे सामने पब्लिक है, सब बैठी हुई है यहाँ पे, एंड ये हमारे सानी भाई है। सानी भाई, बिरयानी कैसी है? गुड गुड। अरे कुछ बोल ही नहीं रहे तुम, जवाब है। चटनी उटनी नहीं है? दोस्त चाहिए। तो भाई को बहुत भूख लगी थी, सो के उठे थोड़ी देर पहले, और उनको खाना चाहिए था, तुरंत लग गए खाने में। सो बाकी का जो जर्नी मैं आगे दिखाते रहूँगा, तब तक जुड़े रहिए ब्लॉग में। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुबह के हो रहे हैं 8, और अभी मेरी जो सुबह हुई 8 बजे हुई है, और आज का दूसरा दिन है, मैं टाइम टू टाइम वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, उसके लिए हम रियली सॉरी, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं, फिर सामान वगैरह है, चीज़ें निकालना बहुत प्रॉब्लम है। अभी भी जो मेरा ट्राइपॉड है वो ट्राइपॉड से मैं शूट नहीं कर रहा हूँ, मैं हाथ से पकड़ा हुआ, आपको दिख रहा होगा। बाकी सब बढ़िया, और ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत है, एसी की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, इसे भी एसी चला रखे हैं लोग, और नींद काफ़ी मज़ा आई। मैं 7 बजे ही सो गया था, और मोस्टली मैं मुंबई में रहता हूँ तो 12-1 बजे तो सोता हूँ, और 7 बजे सोया, सीधा 3 बजे उठा, उसके बाद नींद नहीं आ रही थी, फिर वापस से सोया, 8 बजे उठा। बाकी सब बढ़िया, और पहुँचने वाले हैं हम लोग लखनऊ, लास्ट स्टेशन जो था हमारा उन्नाव था, फिर उन्नाव लखनऊ में उतर के फिर वहाँ से नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन रहेगा प्रतापगढ़ के लिए रहेगा। ठीक है, अच्छा है सफ़र, कुछ इशू नहीं, मस्त में जा रहे हैं, और बाल वाल बिखरे आपको लग रहा होगा उसके लिए सॉरी, काफ़ी टाइम बाद यूपी आ रहा हूँ, जा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत एक्साइटेड हूँ, बट अपने गांव नहीं जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग लखनऊ, फाइनली अभी पहुंच गए लखनऊ स्टेशन, और यहाँ से चेंज करने वाले हैं प्रतापगढ़, यहाँ से चेंज करने वाले हैं प्रतापगढ़ के लिए, और सब कुछ बहुत अच्छे से पहुंच गए, कुछ इशू नहीं था, मेरा एयरपोर्ट गुम गया था, वही सिर्फ ढूंढ रहा था, मिल गया ये। हाँ भाई, दूसरे का एयरपोर्ट है, सेम ही है। सो बाकी सब बढ़िया, मिलते हैं अभी नेक्स्ट में, और अभी कुछ खाया पिया जाएगा, ब्रेकफास्ट नहीं किए, भूख लगी है थोड़ी बहुत, बाकी सानी भाई सब खरीद के लेके आ गए हैं, तो इनका ही कुछ शेयर करेंगे इनके में से, बाकी सब बढ़िया, और मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, और अभी यहाँ से कहाँ जाना है, कैसे जाना है, आगे अपडेट देता रहूँगा, बाकी सब बढ़िया। स्टेशन पहुँचने के बाद हम लोग एग्ज़िट ले लिए, एग्ज़िट लेने के बाद कुछ जो सामान था वो सब गाड़ी से चली गई है, फिर हम लोग यहाँ से अभी ट्रेन लेंगे, और ट्रेन लेके हम लोग प्रतापगढ़ जाएंगे, फिर वहाँ से काशिप के घर पे,
जिसकी शादी है, और फिलहाल 1 बजे की ट्रेन है तो हम लोग वेट कर रहे हैं। और फिर हम लोग नाश्ता वास्ता करने के लिए आए पीछे स्टेशन के, लखनऊ स्टेशन के। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अभी खा रहा हूँ एक काशिप है, उसमें शायद मज़ा नहीं आया गोश्त। चाप है सिंगल के डगल डबल चाप हो गई है भाई। और बाकी सब बढ़िया। तो प्राइस वगैरह की बात करो तो बहुत अच्छा है, कुछ कॉस्टली नहीं है ज़्यादा। यूपी है तो उतना क्या रहेगा, और उतना कोई हाई फाई होटल में भी नहीं बैठे। सो अभी कुछ पार्सल लेंगे, कुछ लोग हैं स्टेशन पे तो उन लोग के लिए खाना लेंगे और फिर जाएंगे। सो इसी और बाकी का आगे अपडेट देते रहूँगा। सो भाइयों और उनकी बहनों, निकल गए हम लोग यहाँ से लखनऊ से। अभी हम लोग रायबरेली पहुँचे हैं, और जो ट्रेन की जो हालत हो रखी है भाई, वो नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे। और हम लोग बैठ गए चालू डिब्बे में, और चालू डिब्बे मीन्स टिकट वगैरह किसी का भी कंफर्म सीट नहीं होता है, तो दिवाली के मौके पे कचरे की माफिक भरी है यहाँ पे। और मेरी जो सीट है, सीट मीन्स जो जहाँ खड़े हो गए अपना है मतलब, तो मैं गेट के बाजू में खड़ा हूँ और बाकी की सब पब्लिक वहाँ पे लाइक दूसरे साइड में बैठी हुई है। मैं यहाँ का नज़ारा तुमको दिखाता हूँ, तुम लोग को कैसा हो रखा है। ये है पब्लिक, ये साइड भरी हुई है, और ये वो साइड कचरे की माफिक भरी पड़ी हुई है। देखो तो इस तरह हम लोग कुछ जद्दोजहद करके अपने ब्रेक मारते मारते तरफ जा रहे हैं। वो देखो वो आदमी को कैसा सो रहा है मुंह खोल के। फाइनली अभी मैं पहुंच गया हूँ अमेठी स्टेशन। ये है राहुल गांधी का गांव, आई थिंक गांव है क्या है मुझे आइडिया नहीं, बट लोग बोलते हैं ऐसा। और यहाँ से अभी जाने वाले हैं काशिप के घर पे, मुझे कोई लेने आया है यहाँ पे, ये भाई साहब पिकअप करने आए हैं। तो बाकी सब बढ़िया। मेरे ऊपर बहुत ऊंचा झंडा है यहाँ पे, बाकी सब बढ़िया। अभी निकलते हैं यहाँ पे, ये बाइक लेके आया है, बाइक से जाएंगे। और ये है अमेठी स्टेशन मेरे पीछे, देख सकते हो, मिलते हैं। सो भाइयों फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ, और मैं जिस दिन आया था उसके बाद से मैं आज ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, आज फाइनली वीडियो बना रहा हूँ और रेडी हो गया। और यहाँ पे जो शादी का डे है आज, सो हम निकल रहे हैं बारात के लिए, मैं भी निकल रहा हूँ। और तुम्हारा भाई एकदम चौड़ा हो गया, एकदम रेडी होके, हाँ स्मार्ट लग रहा है। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा हूँ। बाकी मैं पीछे का बैकग्राउंड पब्लिक लोग को दिखा देता हूँ, कितना भीड़ लगी हुई है, सब जाने वाले हैं। ये पीछे क्राउड है सब, यहाँ पर ये दूल्हे की गाड़ी है भाई, ऑडी है। और ये घर वाले जाएंगे शायद, लौंडे लपाटे रहेंगे, कौन रहेगा मालूम नहीं। सो ये इस तरह की भीड़ है। सो भाइयों बात ऐसी है कि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे गांव के लोग हैं तो कैमरा वगैरह फेस करने में बहुत अकवर्ड फील करते, सो इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। और ज़्यादा क्योंकि लोग हैं, और काशिफ के डैड भी, वो भी थोड़ा वो करते हैं वीडियोग्राफी वगैरह से। ये प्योर विलेज है तो आप लोग समझ सकते हो, वो हिसाब से समझ के लो। बाकी सब बढ़िया, अभी निकलते आगे का अपडेट देते रहेंगे आपको छुप छुप के।